Hello friends, I'm Om Singh Thakur. Today we are just going to perform a topic broadside on position. इससे पहले हम चार टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इससे पहले मैक्स ट्रांसफर चैनल में. नाउ आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं. इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमें मालूम है चार्जेस क्या होते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाइपोल लेंगे. क्या लेंगे, एक डाइपोल लेंगे. यहाँ पे लेंगे हम माइनस क्यू और यहाँ पे लेंगे एक प्लस क्यू और इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे ओ. यहाँ से लेंगे यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसका रहेगा एल. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा इसका एल. हमें यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. क्या करना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अंडरस्टैंड. ये यहां से लेके ओपी की डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे. ओपी की डिस्टेंस हम कितनी मान लेंगे यहां पे, आर. ठीक है, ये हो जाएगा एल, ये हो गया आर. इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी. अंडरस्टैंड. यहां की जो ये जगह यहाँ पे E1 साइन थीटा, इसके जस्ट अपोजिट में E2 साइन थीटा. यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा. यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 की कॉस थीटा रहेगा. E1 कॉस थीटा और यहाँ पे कॉमनली आ जाएगा इसका दोनों के बीच का E1 कॉस थीटा प्लस E2 cos theta. पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लगाएंगे किस तरीके से देखते हैं. सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम है कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0Q/r2. तो r2 की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे एपी का स्क्वायर. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे AP का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग क्या होगा. AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर. तो AP इज इक्वल टू AO कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, L का स्क्वायर, और OP कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, R का स्क्वायर. अंडरस्टैंड. तो AP का स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये कितनी वैल्यू हो गया हमारे पास, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अंडरस्टैंड. तो ये एपी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे अंदर रख देंगे इससे. तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0Q/EP. स्क्वायर के फॉर्म में तो स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अंडरस्टैंड. अब हम यहां पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर हमें सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि इसके कॉस थीटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कॉस थीटा के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कितना दिया है हमें यहां पे, ए ओ, और ये कितनी दिया हाइपोटेनियस, ए पी. तो एओ की वैल्यू कितनी है, एल, और ए पी हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अंडरस्टैंड. अब टोटल ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे अगर यहां से, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमने निकाली कॉमनली यहां पर, तो ये हो जाएगा E1 cos theta प्लस E2 cos theta. अंडरस्टैंड. ये अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्विवेलेंट तरीके से लग रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह ट्रीट कर रहा है ये. अंडरस्टैंड. तो हम देखेंगे E1 mod is equals to E2 mod. अंडरस्टैंड. तो E1 इज इक्वल टू E2 है, दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो
तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू E1 cos theta प्लस E2 cos theta, अंडरस्टैंड? तो ये कौन सा E इज इक्वल टू 2E1 cos theta, अंडरस्टैंड? तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटर आएगा, E1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, नहीं आ गई है, तो 1/4π epsilon नॉट, ये Q है और ये कितना आ रहा है नीचे, L स्क्वायर R स्क्वायर और cos theta की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई, रख दीजिए यहाँ पर ये, तो रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इनको हम सॉल्व करेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2 क्यू एल अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सेम है, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2। किस तरीके से 3/2 हुआ हम यहाँ साइड देखेंगे, किसकी पावर 1 थी, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है एल स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट हटाते हैं तो कितना लग जाएगा 1/2, अंडरस्टैंड? तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 + 1/2, मतलब 1 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3/2, अंडरस्टैंड? ये हो गया आपके पास में यहाँ पे 3/2। तो ये हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, पी इज इक्वल टू 2QL, मैंने बताया हुआ था पहले क्लास में कि डाइपोल मोमेंट होता है, तो इस जगह मैं P रख दूंगा और ये कितना हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, ये L की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, अगर डाइपोल छोटा है तो L की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तो इसको अवॉइड कर देंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू पी अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप दोबारा से डेरिवेशन को रिपीट करिए, स्टिल इसको 3 से 4 बार करके देखेंगे तब जाके आप इस डेरिवेशन में एफिशिएंट होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई नीट एंड एनडीए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, सच काइंड ऑफ डेरिवेशन जस्ट कम इन योर एग्जाम्स, तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होता क्या है अंडरस्टैंड, और ये ब्रॉडसाइड ऑन पोजिशन है क्या, हर चीज को आपको बहुत ही माइन्यूट तरीके से लेते हुए चलना है, एंड ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।